ओम शांति। हम शांति। ये डेट जो बता रही थी हेमा बहन, इसलिए भी विशेष है कि इस दिन पहली बार अव्यक्त बाप दादा पधारे अरे थे। सही। उस दिन शरीर का अंतिम संस्कार किया, ब्रह्मा बाबा की बॉडी का अंतिम संस्कार किया था, और उस दिन पहली बार अव्यक्त बाप दादा पधारे और पहली अव्यक्त मुरली आई थी। तो इसीलिए मुझे जब पैदा हुई तब तो मालूम नहीं था, लेकिन जब ज्ञान में चले तो इस चीज का भी नशा था। ये भी खुशी की बात है। आप सभी अभी यहाँ तो सुबह सुबह का टाइम है और बहुत जल्दी मुरली पूरी हो जाती है। सुबह 5:30 बजे सब भाई बहन आते हैं और 7 बजे से पहले आज मुरली कंप्लीट की, नहीं तो 7 बजे 7:05 पर मुरली कंप्लीट होती है, मुरली क्लास। और अभी भाई बहन ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से स्टेयर से नीचे उतर ही रहे थे कि मैं आकर यहाँ बैठ गई, किसी से मिलना जुलना बाद में हुआ नहीं आज, क्योंकि आप सबसे मिलना था। तो इसीलिए ये खुशी की बात है कि कितने ब्राह्मण परिवार हमारा कितना प्यारा है और कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ये सोचकर ही बड़ी खुशी होती है। बहुत सारी चीजें हमें इसलिए भी अच्छी मिल गई हैं क्योंकि हमें बाबा ने सेलेक्ट किया है। तो जिसको भगवान सेलेक्ट करता है उसको सब अच्छी अच्छी बढ़िया से बढ़िया बेस्ट क्वालिटी की चीजें वो प्रोवाइड करता है। सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज में ही ऐसा है कि हम इतनी जल्दी इतने नए और नए तरीके से ज्ञान सुनाने के अच्छे अच्छे ढंग अच्छी मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। आप सोचिए, जब बाबा आए और बाबा का कार्य शुरू हुआ था तो दुनिया में उस वक्त सिर्फ प्रवचन करते थे, बहुत बड़े बड़े पंडाल लगाकर या मंदिरों में जाकर लोग प्रवचन करते थे। उस वक्त बाबा ने प्रोजेक्टर पर समझाओ, चित्रों पर समझाओ, ऐसा शुरू कर दिया था। लेटेस्ट टेक्निक थी उस वक्त की, नई टेक्निक थी वो। और फिर जब लोगों ने हमें फॉलो करना शुरू किया, जब उन्होंने प्रोजेक्टर पिक्चर्स इस पर समझाना शुरू किया बहुत बरसों के बाद, तब तक हम और एडवांस हो गए थे, तब तक हम और डिजिटल चीजें यूज करने लगे और लोगों तक पहुंचने लगे इजीली। भाई सिर्फ जो आश्रम में सेंटर पर आ जाए वही नहीं, हम जा जाकर कितने सारे रोटरी क्लब्स हैं, स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां जा जाकर समझाने लगे, जो बाबा ने कहा बनी बनाई स्टेज पर चले जाओ। खुद लोगों को इकट्ठा करने में कितनी मेहनत है, और वहां इकट्ठे हुए ही होते हैं बहुत सारी टीचर्स एक जगह इकट्ठी होती हैं, आज उनका स्पेशल मीट है, तो वहां जाकर तुम टाइम लो और समझाओ। लोग हमें बुलाते हैं, अब हमें भी टाइम नहीं लेना पड़ता, वो खुद बुलाते हैं कि आप हमें कुछ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल पर समझाइए। तो इसीलिए सेवा इजी हो गई है। आज की साकार वाणी अभी जो हम पढ़कर आए हैं, इतनी अच्छी मुरली कि बाबा ने स्पेशल कहा अगर योग करेंगे तो ये फायदा होगा और अगर योग नहीं करेंगे तो ये सब नुकसान होने वाले हैं। क्या क्या नुकसान आया उसमें? योग करेंगे तो बाबा का रिगार्ड मिलेगा, बाबा रिगार्ड देंगे। सोचो किसी को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रिगार्ड दे, कितनी बड़ी बात है। और जिसको खुद भगवान रिगार्ड दे, ये तो उससे भी सुपर बात है। तो वो रिगार्ड किन बच्चों को देंगे? जो सेवा मिली उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो करते हैं उसको रिगार्ड मिलता है, यज्ञ की संभाल करते हैं और गफलत नहीं करते हैं और पूरी तरह सुखदाई बनते हैं, सबको सुख देते हैं। तो ऐसे बहुत सी बातें आज की मुरली में बाबा ने समझाई, रिगार्ड किनको मिलेगा। फिर नंबर दो, योग नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होने वाला है, और नुकसान क्या क्या होने वाला वो बाबा ने डिटेल में समझाया। पद भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं मिलेंगी, सुख नहीं दे सकेंगे, विकर्म नहीं विनाश होंगे तो दुख पाते रहेंगे, ऐसी बहुत सी बातें। तो ये पढ़ते सुनते हुए मैं समझ रही थी कि हम सबको स्टैंडर्ड तो पता है, एक स्टैंडर्ड है ये ब्राह्मण लाइफ की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये हमें पता है। बाप समान होनी चाहिए, मम्मा जैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, बाबा जैसी होनी चाहिए, ये हम जानते हैं।
लेकिन आज के इतने ज्यादा एडवांस माहौल में जब हम बहुत ऊंची बातें करते हैं, साइंस में बहुत आगे हैं, ऐसे टाइम पर भी जो विकारों में भी बहुत आगे हैं, ऐसे टाइम पर भी ब्राह्मण लाइफ की क्वालिटी कितनी इंक्रीज होनी चाहिए और ब्राह्मणों को कहीं भी ब्राह्मणों को उलझ नहीं जाना चाहिए। उलझा हुआ बेचारा कंफ्यूज्ड, अमृत वेले योग ना लगे जिसका, मुरली के समय कहीं कहीं और ध्यान जाता रहे, योग भी कर रहे हैं, योग अच्छा लग भी नहीं रहा, लोग हमसे एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं, उस तरह की धारणाएं उनको दिखाई नहीं देती हैं, ना लोग कहते भी हैं, देखो वो बीके हैं, किसी के घर का कुछ नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, बहुत मीठा बोलते हैं, ऐसे हैं, ये बीके हैं, ये तो खा भी लेते हैं, ये तो ऐसा भी बोलते हैं, ये तो अमृत वेले कभी उठते हैं कभी नहीं भी उठते। तो आपके यहाँ अलग अलग क्वालिटी के बीके होते हैं क्या? डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ बीके, क्लासिफिकेशन ऑफ बीकेस? तो हम कितने एम्बेरस हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं वो बेचारे अभी नए नए हैं, उन्होंने अभी समझा नहीं है, उन्होंने अभी पूरा सीखा नहीं है, फिर हमें ऐसे आंसर देने पड़ते हैं ना, 1-2 साल पहले ज्ञान सुना हुआ बीके भी बहुत एडवांस, बहुत आगे, और दूसरा 10 साल से आ रहे हैं तो भी वैसा नहीं दिखाई दे रहे, अभी मिठास नहीं आई, अभी पूरा टॉलरेंट नहीं हुए, अभी अपनी दैहिक दृष्टि है उस पर जीत नहीं पाई, तो फिर लगेगा ना कि ये बीके और बीके में इतना फर्क क्यों है, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बीकेस क्यों है। तो क्वालिटी ऑफ बीके कैसे इंक्रीज हो, आपने भी बहुत बार सोचा होगा, हमें एक स्टैंडर्ड क्वालिटी पता है, हमें पता है परफेक्ट बीके कैसा होना चाहिए, आज बाबा ने आज की मुरली में भी कहा है जो सुबह पढ़ी हमने, तो परफेक्ट बीके का भी हमें पता है, फिर भी अपनी क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए मैं क्या मेहनत कर रही हूँ उस पर ध्यान देना है। क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारी चीजें मालूम है और हर एक ब्राह्मण कितना कीमती है, मैं जस्ट एक बात बताती हूँ आपको, जब हेमा बहन कह रही हैं कि कुछ बातें आपने यूट्यूब पर हो सकता है सुनी हो, तो हो सकता है ये बात भी सुनी हो, लेकिन सभी ने सुनी होगी जरूरी नहीं है, तो इसीलिए कुछ बातें, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमें भी भगवान ने बहुत अच्छे से ढूंढा है, सेलेक्ट किया है, और हम भी थोड़ा नखरे से आए हैं, मम्मी पापा पहले आ गए, फिर हमें देखेंगे, चेक करेंगे वहां क्या है, ऐसा कई तो पहले ज्ञान में चलते हैं, उनके सामने विघ्न आते हैं और फिर वो विघ्नों को क्रॉस करते हैं, ये उनसे क्या होता है, उनका योग और अच्छा हो जाता है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, पेरेंट्स पहले ज्ञान में चले, हमारे लिए खुली अपॉर्चुनिटीज थी, उन्होंने हमें आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, बल्कि हम ही नखरे करते रहे, नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, तो इस तरह करते रहे, फिर भी बाबा ने सेलेक्ट करना था कर लिया, उसके बाद हमें लगा कि अब हमें इस ब्राह्मण लाइफ को साधारण नहीं बनाना, क्योंकि बाबा ने हमें स्पेशली ढूंढा है, तो हम बहुत स्पेशल हैं कि इतना कुछ हमारे लिए किया, पहले पेरेंट्स को ज्ञान में चलाया, शहर में अच्छा सेंटर खुलवाया, फिर बड़ी दीदियों से बहनों से इतनी पालना दिलवाई, कई तो बीके ऐसे भी बनते हैं जिनको कहीं से पालना भी नहीं मिली, कहीं से किताब पढ़ी, कहीं से कोई मुरली पढ़ी, कहीं थोड़ा सा कहीं से परिचय मिला, कहीं सेंटर भी नहीं था, ऐसी ऐसी स्टोरीज हम एक्सपीरियंस की सुनते हैं, लेकिन हमें सब कुछ इजी अवेलेबल हुआ, तब मुझे लगा कि बीके लाइफ इज सो एक्सपेंसिव। आप चेक करके देखें अपने आप को कि आप सब जब ज्ञान में आए, जैसे बड़ी अच्छी बात हेमा दीदी बता रही है कि कोरोना काल में आए कई, तो अब सोचो आपके लिए भगवान को लॉकडाउन करना पड़ा कि आप थोड़ा टिक कर घर में बैठ जाए और फिर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में रुचि लें, इंटरेस्ट लें, ज्ञान सुनाए, क्योंकि अगर वैसी भागती लाइफ होती तो इतने वर्षों से तो आपने सुना ही नहीं था,
इतने वर्षों से ज्ञान सुना ही नहीं, रोज उस दौड़ती भागती ऑफिस प्रोफेशन घर बच्चे पता नहीं क्या क्या चीजों में उलझे हुए थे, तो भगवान को स्पेशल लॉकडाउन लगवाना पड़ा। सेफ्टी रखनी पड़ी आपकी कि उसमें आप सेफ भी रहें। कितना कुछ किया बाबा ने, फिर उसके लिए आपको कैसे कैसे बाबा ने ढूंढा कि आप ऐसे ब्रह्मा कुमारीज या ज्ञान या जूम के थ्रू ऐसे जुड़ जाएं, है ना। तो ऑनलाइन इस तरह से आप क्लासेस भी करें, वो टेक्निक भी बाबा ने ढूंढी, उसके साथ भी जोड़ा। जो इससे पहले से आ रहे हैं, बहुत सारे पुराने बीकेस भी होंगे, आप देखो वो भी कितने कीमती हैं कि उनके लिए इतनी दूर सैन फ्रांसिस्को में या अलग अलग जहां जहां से भी आप हैं वहां वहां सेंटर खुलवाए गए, बहनों को भेजा, कितना खर्चा करके बाबा ने स्पेशल वहां ये प्रोजेक्ट शुरू किया। शांति मिले सभी को ये ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान, फिर आप सेंटर पर आए या आप ऑनलाइन जुड़े। इसके लिए घर में आपके सारे साधन भी जुटाए गए ना, आपके घर सब कुछ, इंटरनेट का कनेक्शन भी होना चाहिए, आपकी सारी सुविधाएं भी होनी चाहिए, स्क्रीन भी हो तो मोबाइल भी हो तो इंटरनेट भी हो तो पूरा आपका सिस्टम भी हो, ये सब कुछ भी प्रोवाइड कराया। सेंटर पर आए थे पहली बार, आप कंफर्टेबली बैठ सके उसके लिए बढ़िया चेयर हो, सोफा हो, बढ़िया सुंदर सेंटर हो, है ना, वेल इक्विप्ड हो, उसमें लाइट एंड एसी एंड गर्म करने का ये वो सब कुछ अच्छे से अच्छा हो, वेल इक्विप्ड सेंटर हो। अभी आप आराम से टिक कर बैठेंगे, आपको लगता नहीं ये सब मुझे बीके बनाने के लिए भगवान ने खर्चा किया। फिर वो अच्छा लगने लगा, थोड़ा थोड़ा सुना, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद कितनों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके लिए, वो फ्री हुए कि भाई सचमुच ये अच्छी लाइन है, और इसमें अगर आप थोड़ा थोड़ा और ज्ञान सुनेंगे, धारणा भी करेंगे, माउंट आबू भी चलेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। फिर हिम्मत की आपने, मधुबन में भी आए। स्पेशल आपको बाबा ने दिया इतना धन और आप वो धन खर्च करके स्पेशल मधुबन आए। अच्छा मधुबन तो आप आ गए, अब आप सोचिए मधुबन में आपके लिए कितना कुछ किया गया। यू आर सो एक्सपेंसिव, और कितने लाडले हैं आप। ज्ञान सरोवर इतना सुंदर सजाया गया, इतने सुंदर प्लांट्स, फ्लावर पॉट्स, चीजें, सुंदरता, बढ़िया कमरे, वेल फर्निश्ड रूम्स आपको मिले। आपके आने से पहले तैयार थे, स्पेशल बाबा ने गाड़ियां भेजी आपके लिए, आपको कहीं एयरपोर्ट से लाने के लिए, कहीं रेलवे स्टेशन से लाने के लिए स्पेशल बाबा की गाड़ियां जाती हैं, फिर आपको लेकर आते हैं। अच्छा फिर कितनी आवभगत, कितनी बढ़िया आपकी होस्टिंग होती है, कितना प्यार करते हैं, खूब अच्छी क्लासेस एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं। नॉट ओनली क्लासेस, अब क्लासेस अच्छी मिले और खाना अच्छा नहीं मिले तो फिर आपकी पसंद का आपको अच्छा खाना मिलता है, बढ़िया डाइनिंग टेबल्स पर, चेयर्स पर, वहां बिठा के प्यार से खिलाया जाता है। उसके अलावा कभी पिकनिक है, कभी दादी से मिलना, कभी निर्वैर भाई जी से मिलना, कभी ये कभी वो, ना कुछ बाबा आपके लिए करते हैं। अब जितना बाबा ने आपके लिए किया और आप अच्छे पक्के बीके बने, आप सोचिए बाबा ने ये सब कुछ कितने बीकेज के द्वारा करवाया ना, कितनों का तन मन धन और समय उसमें लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था ना, तो कितनों का तन मन धन समय सब लगा हुआ था। 1,000 बीके जो कि घर साफ कर रहे हैं, सजा रहे हैं, आपके रूम्स ठीक कर रहे हैं, आपके लिए खाना बना रहे हैं, आपको खाना सर्व कर रहे हैं, आपको क्लासेस करा रहे हैं, आपको लेकर आते हैं, आपको छोड़कर आते हैं एयरपोर्ट तक, रेलवे स्टेशन तक, अहमदाबाद में, कभी दिल्ली में, वहां भी सुविधाएं आपको दी जाती हैं। इतने सब बीकेस लग कर मिलकर आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। कम से कम 1,000 बीकेज का एफर्ट होता है 1 बीके को बनाने में, तब आप आज पक्के और अच्छे बीके बने हुए हैं।
फिर यहाँ आकर पालना मिलती है, कभी किसी दीदी के द्वारा, कभी किसी दीदी के द्वारा। अच्छा, फिर जो आपकी निमित बहन है, चाहे हेमा बहन है, चाहे रूपाली है, चाहे और भी है ऐसे, तो वो भी क्या कर रही होती हैं? इन सबको अच्छी पालना दिलाई जाए, उसके लिए कितना अटेंशन रखती है? आज उनकी क्लास, आज उनका एक्सपीरियंस, आज उनकी स्टोरीज, आज ये बातें अब तक मिल रही है। तो हम सभी अब अपनी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, कि मेरे लिए 1000 BK ने काम किया है, तो मुझे अब उसमें शामिल हो जाना चाहिए, उन 1000 BKs में जो अब नए BK बनाने के लिए काम करेंगे। ठीक है, अब आपने और नए BK तैयार करने हैं, क्योंकि हम सुनते हैं विदेशों में थोड़े से भाई बहन आते हैं, थोड़े से क्लास में बैठते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ सुबह सुबह ही 70, 80, 90 इतने की क्लास होती है ना, और फंक्शंस हो या इकट्ठी क्लास हो, सुबह दोपहर शाम वाली इकट्ठी क्लास करे तो बहुत ज्यादा हो जाती है, और सब बहुत अटेंशन भी दे रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, क्योंकि शायद देवी देवताओं की संख्या भारत में ज्यादा है, भीड़ भी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। अब आप वहां और भी ज्यादा कितने कीमती हो गए, कि क्लास में 8, 10, 15 लोग आप बैठते हैं आकर मॉर्निंग में, कितनी बड़ी बात है। तो मुझे उन 1000 BKs, सेवाधारी BKs में शामिल होना है, जो और BKs को अट्रैक्ट करके बाबा की रूहानियत से जोड़कर वहां आए, उनकी सेवा करनी है, फिर उनका पुरुषार्थ आगे बढ़े। हम जो अमृत वेले सकाश देते हैं, नॉट ओनली टू नॉन BKs, भाई उनका कल्याण करना है, उनको सकाश देनी है, नहीं, जिनका पुरुषार्थ थोड़ा ढीला है, जो नए नए BK हैं, जो कभी कभी आते हैं, जो अभी कम समझे हैं, या जो अमृत वेला योग में नहीं बैठते हैं, बैठते हैं तो जिनका योग नहीं लगता है, इन सभी BK का कल्याण करना है, उनको भी सकाश देनी है कि उनका लेवल और अच्छा हो जाए और ज्यादा अच्छे पुरुषार्थी हो जाए, टाइम कहीं ना वेस्ट करें, इस पर और अटेंशन देने की जरूरत है। मेरे पास काम बहुत है, इतने सब BKs ने मेरी पालना की, अब मैं उनकी पालना करने वाले ग्रुप में शामिल हो गया। कैसे? तन, मन, धन एंड टाइम, समय, वो भी मुझे लगाना है। और वैसे भी मोहब्बत का नियम होता है, इश्क का एक नियम होता है, कि जैसे जैसे प्यार बढ़ता है ना, तो हम टाइम ज्यादा देते हैं, और जितना ज्यादा टाइम देते हैं आशिक माशूक आपस में, उतना ज्यादा प्यार और ज्यादा बढ़ता है, टाइम ज्यादा देना पड़ता है। तो मुझे बाबा से बहुत दिल की सच्ची मोहब्बत करनी है, तो मुझे समय और ज्यादा देना है। समय की कमी है, ये वाली बातें हम बहुत सुनते हैं, लेकिन फिर भी पहले कहाँ कहाँ समय वेस्ट किया करते थे, वहां से बचा के लेकर आना है ना। पहले रोज शाम कहाँ बीतती थी, अब की शाम मुझे कहाँ लगानी चाहिए, बाबा के योग के लिए, बाबा की सेवा के लिए। तो इसलिए मुझे जहां जहां पहले मैं टाइम वेस्ट करता था, वहां से मैं टाइम खींच खींच कर लाता हूँ, लाती हूँ, और मुझे वो टाइम अब बाबा से मोहब्बत में, इश्क में लगाना है। अच्छा, जिससे सिर्फ इश्क हो जाता है, उतना ही थोड़ी सिर्फ, और कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए ये चीजें हमारे हाथ में है, अपनी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा टाइम हमको देना है। 1 घंटा क्लास के लिए देते हैं, 1 घंटा नुमा शाम योग के लिए देते हैं, बस सफिशिएंट। और हमने वादे क्या किए थे, कि तुझे ही याद करेंगे, तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम्हारे साथ ही सर्व संबंध है ना, तुम ही सब कुछ मेरे हो। तो जो सब कुछ मेरा हो, उसको हमने सारे दिन में 90 मिनट्स ही दिए बस, और बाकी सारा टाइम अपनी गृहस्थी, धंधा, चीजें, ये वो, उसमें उलझे रहे। तुम मेरे हो, तुम ही मेरे हो, सब कुछ ऐसा बोलते भी रहे, और सब कुछ तुम्हारे लिए ही है ऐसा भी बोलते रहे,
और किया भी वैसा नहीं, तो अटेंशन अगेन अगेन अटेंशन दे टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण लाइफ। हम जितना समय दे रहे थे 2022 तक, पिछले साल तक, उससे ज्यादा समय मुझे देना है बाबा को, बाबा को प्यार करने में, योग लगाने में और सेवा करने में। योग और सेवा करने से धारणाएं अपने आप अच्छी हो जाती हैं, बहुत अच्छी धारणाएं बनती हैं। तो जितनी धारणाएं अच्छी होंगी उतना आपको और मजा आएगा, क्योंकि लोग आपकी धारणाओं से ही इम्प्रेस हो जाएंगे, ये होता है। और आप सोचिए, हम भी यहाँ भी देखते हैं, पहले भी हम छोटे छोटे जब जाते थे, मेडिटेशन हॉल में क्लासेस होती थी और ओम शांति भवन में बाबा मिलन होता था, तो हमें याद है कि विदेशी भाई बहन जो एक्चुअली विदेशी फॉरेनर ओरिजिन के हैं, तो वो फॉरेनर्स, उनको देख के हमें इतना अच्छा लगता था, अच्छा इन्होंने भगवान को पहचान लिया, अच्छा इनको समझ में आ गया कि भगवान मेरा बाप है और हम देवी देवता बनेंगे। तो एक दिन सुदेश दीदी, जयंती दीदी क्लास करा रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया, बहुत बरसों पुरानी बात है, शायद 87 की बात है, तो वो कहते इतना इजी नहीं है फॉरेनर्स को ये विश्वास दिलाना कि तुम देवी देवता थे, देवी देवता बनेंगे। भारत में तो ऑलरेडी मानते हैं, डीटीज को ऑलरेडी मानते हैं, तो उनको मुश्किल नहीं लगता है ना, वो याद कर लेते हैं कि हम डीटीज से डिसेंट होकर आए हैं, वो मान लेते हैं कि हम डिवाइन थे। बट विदेशी लोग नहीं मानते, वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की जो बात होगी वो एंजल्स होते हैं ना, एंजल्स के बारे में बात करते हैं, ऐसा सुदेश दीदी ने बताया। तो हमें कितना गर्व हुआ कि हमें ये बात पहले से मालूम है, देखो कि देवी देवताओं का राज्य था और हम देवी देवता बनेंगे और भगवान हमें डिवाइन बनाने ही आया है, तो कितना इजी था हमारे लिए। तो सोचो कि कुछ चीजें तो मेरी क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी मेरे पास ही थी, कि हमें बहुत सारी चीजों पर पहले से निश्चय था, विश्वास था, इसीलिए अब आगे के स्टेप लेने थे हमको। तो इसीलिए समय ज्यादा देना है पढ़ने में, सुनने में, सोचने में, योग करने में, पुरुषार्थ करने में। योग ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि जितना हम योग में बैठे और योग लगा, बाबा से जुड़े रहे, हम सूक्ष्म वतन में गए, बाबा के साथ झूला झूले, बाबा से बातें की, बाबा की उंगली पकड़कर हम सारे ग्लोब पर चक्कर लगा रहे हैं, तो बाबा के साथ झूला झूल रहे हैं, जाते ही हम जैसे बाबा के गले मिलते हैं, दुनिया देख के हैरान हो जाती है, ये भगवान से ऐसे मिलते हैं। तो सोचिए जितना आप टाइम देने लग जाते हैं और वो टाइम में जितना मजा आने लग जाता है योग में, उतना कुर्बानी करने की फीलिंग बढ़ जाती है, सेक्रिफाइस करने की, बाबा के लिए सब कुछ करने की। जिसका योग अच्छा होगा उसका दिल करेगा तन लगाने का, धन लगाने का, मन लगाने का। पहले समय लगाया, योग बढ़ गया, बाबा से इश्क बढ़ गया, तो बाकी चीजें अपने आप लग जाएंगी, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए मेहनत, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले यही चीज होती है, समय ही होता है। और दुनिया में भी जब बच्चों का इश्क हो जाता है यंगस्टर्स का आपस में, तो अभी वो कोई इनकम नहीं है उनकी, कुछ कमाते नहीं है, तो एक दूसरे को क्या देते हैं, टाइम ही देते हैं ना, मिलेंगे, बैठेंगे कहीं एकांत में, फिर फोन पर लगे रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा फोन पर बातें करेंगे, मोबाइल पर, तो टाइम दे रहे होते हैं, खूब टाइम देते हैं, वो समझते हैं यही एक अच्छा तरीका है। जहाँ इश्क बढ़ गया समय देने से, योग अच्छा लगने लगा, तो कुर्बानी अपने आप आ गई है ना, बाबा के लिए सब कुछ करने की भावना, सेवा में लगना, तो तन भी वहीं जाएगा, धन भी वहीं जाएगा। आपने सुनी होगी शायद, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमने जगदीश भाई जी की किताब में पढ़ी, जगदीश भाई जी से हम बहुत जुड़े हुए थे, जो कि बहुत अच्छे स्पीकर थे हमारे, तो पुरानी बहनें तो जानती हैं उनको, 2000 2001 में उन्होंने देह त्याग दी थी। तो
मैं जानती हूँ कि उनसे हम अक्सर मिला करते थे, वो बहुत अच्छी स्टोरीज और वो बाबा से ऐसे लिंक करके सुनाते थे, तो कई चीजें होती थी जो बिल्कुल ऐसे सटीक बैठती थी कि हाँ ये चीज चाहिए। तो उन्होंने अपनी बुक में, बहुत सारी बुक्स हैं उनकी, एक्चुअली उनकी क्लासेस को ही उसमें कंपाइल किया हुआ है, तो उसमें एक क्लास में हमने बड़ी अच्छी एक बात सुनी थी, हो सकता आपने भी सुनी या पढ़ी हो, लेकिन उसको फिर से सुनेंगे ना तो भी मजा आएगा। मशहूर है अफगानिस्तान का एक इश्क का प्यार का किस्सा है, लैला मजनू का, वो काफी फेमस है वो किस्सा। तो वो दोनों काफी फेमस थे इस बात के लिए कि दोनों एक दूसरे पर बहुत कुर्बान थे, बहुत प्यार करते थे आपस में, लैला मजनू। और रेगिस्तानी इलाका था और वो कहीं उस समय के, वो जो उस समय का इलाका था वो तो काफी रेगिस्तान और हरियाली कम थी, और ऐसी जगह पर, वो गर्मी वाली जगह पर, आई डोंट नो अफगानिस्तान था या क्या था, क्या एरिया बताते हैं उनका, तो उस तरफ वो जाके रहते थे, अरेबिया के साइड। तो वहां वो रहते थे और दोनों बहुत अमीर खानदान के थे, लेकिन दोनों आपस में बचपन से ही प्यार करते थे, मिलते थे, लैला और मजनू। मजनू तो उनको कहने लग गए थे, मजनू मींस दीवाना, हु इज क्रेजी इन लव, उसे मजनू कहते हैं। एक्चुअली उसका नाम तो कैस था, कैस आजम। तो कैस से मिलने जाती थी लैला डेली, और वो दोनों बच्चे एक टीले पर बैठे रहते थे, वो रेत का ऊपर बड़ा सा टीला बना हुआ था, उस पर बैठ जाते थे जाकर, और खूब बातें करते थे। अच्छा, इश्क में, प्यार में देने का भाव हमेशा होता है, तो लैला हमेशा एक बड़ा सा गिलास भर कर दूध का लेकर जाती थी कैस के लिए, मजनू के लिए, उसके लिए लेकर जाती थी, और उसे वो दूध पीता रहता था, वो भी कुछ लेकर आता होगा, तो वो दूध पीता रहता था और बातें करते रहते थे। पता नहीं टाइम कैसे बीत जाता था उनका। तो ऐसे करते 1 साल, 2 साल, 3 साल बीतते गए, तो बच्चे से थोड़ा सा बड़े हो गए वो। तो एक बार लैला जा नहीं सकी, तो उस वक्त 13-14 साल की उम्र थी उनकी, टीन एज थी, और वो जा नहीं सकी क्योंकि वो बहुत बीमार हो गई लैला, तो वो मिलने नहीं जा सकी मजनू से। तो उसने गली के एक बच्चे को बुलाया, अपने पड़ोस से, नेबरहुड से एक बच्चे को बुलाया, और उस बच्चे को कहा, एक दूध का गिलास भरा हुआ दिया, और कहा कि ये दूध जो है तुम कैस को देकर आना, मजनू को देकर आना। उसने कहा मैं कैसे पहचानूंगा मजनू को? तो लैला ने बताया कि सांवला सा लड़का है, थोड़ा सा ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है उसका, तो सांवला सा लड़का है और वो टीले पर बैठा हुआ है, वो दूर उस टीले पर बैठा है, उसने उधर इशारा करके कहा, तो तुम उसे पहचान लोगे, तुम ये उस दूध, वो अकेला ही बैठा होगा और कोई होगा ही नहीं वहां पर। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो वहां चला गया तो वो टीले पर, थोड़ी छोटा सा रॉक्स और वो रेत ही रेत थी, तो टीले पर चढ़ने से पहले ही उसे एक और बच्चा, एक और लड़का वहां मिल गया। वो वैसा ही था, सांवला सा पतला सा लड़का था। तो उस बच्चे ने उसको पूछा कि तुम मजनू हो, कैस आजम? तो उसने कहा क्यों, क्या बात है? तो उसने कहा कि लैला ने दूध भेजा है तो उसको दूध देना है। तो वो उस लड़के ने कहा हाँ मैं ही मजनू हूँ। उसने दूध लिया उस बच्चे से और दूध पूरा पी लिया और गिलास उसको खाली दे दिया, लेकर आ गया। लैला ने पूछा कि तुम्हें वो मजनू मिला? कहते हाँ मिला। उसने दूध पिया? हाँ पी लिया। उसने कुछ कहा? लैला को एक्साइटमेंट थी, क्यूरियोसिटी थी, कुछ कहा होगा मजनू ने, पूछा होगा? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, उसने बस दूध पी लिया, बात नहीं, कुछ भी नहीं कहा। उसे खटक गया, उसको अपने इश्क पे, प्रेम पे भरोसा था, उसे पता लग गया कि ये किसी और को देकर आ गया। मजनू कैस आजम मेरे लिए कुछ भी ना पूछे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं मिलने नहीं गई और वो कुछ ना कहे तो ये किसी और को देकर आया होगा। अब उसने क्या किया, अगले दिन फिर उसी को दूध का गिलास दे के भेजा और कहा टीले पर जाना, वहां मजनू बैठा होगा, पतला सा सांवला सा लड़का, उसको दूध देना। अगेन वो बच्चा गया,
अगेन टीले पर चढ़ने से पहले ही उसको वही लड़का मिला। तो उसने पूछा, फिर तुम मजनू हो? कहता, हाँ मैं मजनू हूँ। उसने दूध का गिलास उसके हाथ में देख लिया, तो उसने कहा, हाँ मैं मजनू हूँ, लैला ने दूध भेजा है। तो उसने कहा, ठीक है। उसने दूध पिया और खाली गिलास उसको दे दिया। बहुत बढ़िया टेस्टी मिल्क था, तो उसने मिल्क पिया और भेज दिया। अगेन वो आके लैला को कहता है कि दूध पी लिया। उसने कुछ कहा? कहते, नहीं कहा। उसने कुछ पूछा? कहते, नहीं पूछा। तो लैला को खटक गया कि ये किसी और को दूध पिला के आ रहा है, तो वो मजनू नहीं हो सकता, ये गलत है, ये कहीं गलती हो रही है इससे, और कोई तो वही नहीं था ना तब। अब उसने क्या किया, अगले दिन तीसरे दिन फिर से उसी बच्चे को बुलाया, अगेन उतना ही बढ़िया दूध का गिलास दिया और कहा कि जिसको 2 दिन से तुम देकर आ रहे हो दूध, उस मजनू को कहना कि लैला ने तुम्हें याद किया है, लैला बहुत बीमार है और वैद्य जी ने कहा है, डॉक्टर ने कहा है कि उसको खून देना पड़ेगा, ब्लड प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब जो ब्लड इन्फ्यूजन होगा उसके अंदर, ब्लड इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो तुम अपना खून देने के लिए तुरंत आ जाओ। लैला ने बड़े अधिकार से कहा कि उसको बोलना खून चढ़ाना पड़ेगा और खून देने तुरंत आ जाओ। बच्चा गया, उसने उसी लड़के को दूध दिया। दूध पीने के बाद उस बच्चे ने उसका मैसेज दिया लैला का, उसने मैसेज दिया कि लैला बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है उसको खून चढ़ाना पड़ेगा, तो तुम उसे ब्लड डोनेट करने के लिए तुरंत आ जाओ, तुरंत चलो साथ में। वो लड़का हंसने लगा, हंस के कहता, मैं नहीं वो खून देने वाला मजनू, मैं तो दूध पीने वाला मजनू हूँ। 3 दिन से वो टीले पर बैठा है, खून देने वाला मजनू, तुम उसको जाके कहो वो बिना दूध पिए भी खून देने के लिए चला जाएगा, मैं तो बस दूध पीने वाला ही मजनू हूँ। ये कह के हंस के वो चल दिया। उसने आके लैला को बताया, मोरल ऑफ द स्टोरी, मजनू को तो ले आया होगा, लेकिन हम अपने आप को चेक करें। जगदीश भाई जी ने उसमें बड़ी अच्छी बात लिखी कि सभी बीकेस को खुद को चेक करना चाहिए कि हम खून देने वाले मजनू हैं या हम सिर्फ दूध पीने वाले मजनू हैं या दूध पीकर खून देने वाले मजनू हैं। कहीं तो आए, सिर्फ दूध पीने वाले मजनू कैसी क्वालिटी है चेक करो। हमेशा पालना मिलनी चाहिए, दादियों से, बहनों से, सेंटर से अच्छी पालना मिलनी चाहिए। वहां रहने का प्रबंध माउंट आबू में अच्छे से अच्छा, या रिट्रीट सेंटर में जाते हैं, न्यूयॉर्क में गए, पीस विलेज में गए, कहीं आप मिलते होंगे अच्छे से अच्छा, आप तो खुद रिट्रीट सेंटर में ही रहते हैं, तो अच्छे से अच्छा प्रबंध बढ़िया मिलना चाहिए। इसके बाद दूध पीकर खून देने वाले मजनू के अच्छा पता लग गया कि भगवान मेरी इतनी अच्छी पालना कर रहा है, उसके बाद तो मैं करूं, उसके बाद मैं क्या सेक्रीफाइस कर रही हूँ, कर रहा हूँ। तो दूध पीकर भी खून देने वाले मीन्स के नाउ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर सेक्रीफाइस। मुझे पता लग गया कि मुझे क्या करना चाहिए बाबा के लिए, यज्ञ के लिए, संस्था के लिए, बाबा के घर के लिए, सेवा बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो वो भी अच्छी बात है कि दूध पीकर भी खून देने की अकल आ गई है। और केवल खून देने वाले मजनू, पालना मिले या ना मिले, जब इश्क इतना गहरा हो गया, पता लग गया कि बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही सब कुछ मेरे लिए करता है, सिर्फ ये एक एक्सपीरियंस ही इतना बढ़िया है, इतना आनंदकारी है, उसके पीछे सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, दूध मिले या ना मिले। तो वो कौन है वो खून देने वाले मजनू? केवल व्हाइट साड़ी वाली थोड़ी, सबके सब, सब जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, सब जिसने बाबा को पहचाना है, तो हम सभी पालना लेकर पालना दे रहे हैं, ये चला ही आ रहा है, क्योंकि दादियों ने भी बाबा मम्मा से डायरेक्ट पालना ली और सीखा, कम ली और फिर भी ज्यादा दिया, वो देते ही रहे, पालना ली 5 साल, 10 साल, इस तरह से कुछ कुछ इयर्स, और दे रहे हैं 50 ईयर्स, 60 ईयर, 80 ईयर्स से।
कितनी बड़ी कुर्बानी है देखो। वो दूध तो खत्म ही हो गया, आप तो सिर्फ देने में लगे हुए हैं। तो हमें उस क्वालिटी का बीके बनना है। हम सिर्फ ले ही रहे हैं, ये तो कोई क्वालिटी नहीं हुई। ये तो उनका नियम है, हमें आदत पड़ी हुई है, हमें बाबा ने सिखाया है कि पालना देनी है। इट्स देयर नेचुरल थिंग, है ना, हॉबी बन गई है हमारी, अब यही सेवा है। लेकिन मैं उसके बाद दे क्या रहा हूँ, क्योंकि मुझे मिला, मैं आगे देने में लगी हुई हूँ। मुझे पता है मुझे भी सब कुछ बहुत अच्छा और बढ़िया मिला। बीके बनने के बाद जो चैलेंजेस आए, उसमें मुझे ताकतवर बनना है, स्ट्रांग बनना है, उसके लिए जोर लगा था। बीके बनने के लिए कोई मेहनत नहीं लगी, बीके बनने के बाद अच्छी क्वालिटी का बीके बनने में बहुत मेहनत है। तो मुझे वो अच्छी क्वालिटी, बहुत रिफाइंड बढ़िया क्वालिटी का बीके बनना है। इसके लिए मेहनत अमृत वेला से रात तक, आज का स्लोगन, पूरा मर्यादाओं पर चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। आज के वरदान में बात थी, अमृत वेले से रात तक हमें पता है क्या क्या मर्यादाएं हैं, क्या क्या डिसिप्लिन, क्या क्या श्रीमद् बाबा ने समझाई है। ये थोड़ी लोगों की बातों में आए, इसकी उसकी आसुरी मत का शिकार हो गए और हम भूल गए। ऐसे तो नहीं चलेगा। हमने भक्ति में भी वादे किए हुए थे, बाबा से भी सुन लिया हमने कि सब कुछ हम आपके लिए करेंगे। तो इसीलिए मर्यादाएं पालन करना, इट्स अगेन नेचुरल थिंग। इश्क में सब कुछ हो जाता है, प्यार मोहब्बत में सब कुछ हो जाता है। सारा डिसिप्लिन फॉलो करना, बाबा की सारी मर्यादाएं मानना इजी है। तो इसलिए दूसरी चीज ये है कि बाबा का कहना मानना मेरे लिए इजी हो जाए। तो टाइम दिया, टाइम के पीछे पीछे सब चीजें चली गई बाबा के पास, क्योंकि इश्क मोहब्बत प्रेम बढ़ गया। जब लव इंक्रीज हो गया तो सब कुछ उसके लिए जाने लग गया। अब उस सब कुछ में कुछ बातें हमें विशेष ध्यान ऐसी ही रखनी है जिससे सेवा होती है। तो बहुत साल पहले, एक 18 जनवरी थी, पता नहीं शायद 25-28 ईयर्स पहले, तो हमने बाबा की लगातार तीन चार मुरली, साकार मुरली उससे पहले आई कि भोजन बनाने वाला योगी चाहिए, भोजन खाने वाला योगी चाहिए, ऐसे ऐसे बार बार ये बात आई। तो हमने उस दिन से पक्का किया, ए अमृत वेला, बी भोजन बनाते समय खाते समय योग में रहना है। अब बहुत सा स्टाफ हो गया, बहुत सेवाएं बढ़ गई, भोजन बनाने वाला स्टाफ, बहनें बहुत अच्छी हैं, योग में रहकर बनाती हैं, कोई अच्छी क्लास सुनती रहती हैं। खाते समय बातें नहीं, हम इकट्ठे बैठकर इसलिए नहीं खा रहे हैं कि हमको बातें करनी है, हम इकट्ठे बैठकर इसलिए खा रहे हैं कि हमको योग में रेस करनी है। कौन कितना ज्यादा योग युक्त होकर खाता है, इसलिए हम इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं। अगर ये नहीं हो रहा, जब इकट्ठे बैठते हैं दो चार पांच लोग और बातें करते हैं, तो सिट अलोन, अलग जगह जाकर केवल बाबा के साथ बैठ जाए। सेकंड ध्यान देने वाली बात है, अमृत वेला योग में अच्छा हो गया, प्यार बढ़ गया, सारा दिन आप योग पर अटेंशन दे रहे हैं, खाना खाते समय बहुत बातें कर रहे हैं, चाहे ज्ञान की भी कर रहे हैं, चाहे हम इधर उधर की क्लासेस ये वो उसकी बातें भी कर रहे हैं, नो नीड। जब बाबा ने कहा है योग में रहकर भोजन खाओ, ये ब्रह्मा भी जब खाता है तो ब्रह्मा बाप कह रहे हैं कि मैं भी खाते समय बीच बीच में थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ बच्चों का क्या हाल होता होगा। एक साकार मुरली में था ये, पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि ब्रह्मा बाबा कुछ सेकंड्स कभी भूलते होंगे तो भी उन्होंने सबके सामने बता दिया। कितने निरहंकारी हैं ना, एकदम ईगोलेस, थोड़ा सा कभी भूले, कुछ सेकंड्स शिव बाबा को भूले, सबके बीच में बता रहे हैं कि मैं भी भूल जाता हूँ, ये ब्रह्मा भी भूल जाता है। दूसरी बात, कितनी केयर एंड कंसर्न की है, बच्चों का क्या हाल होता होगा,
अब आप सोचिए कि जब ब्रह्मा बाप भूल जाते हैं तो हम सोच ले हम भूल गए तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। नो, ही इज सो कंसर्न, वो कह रहे हैं कि मैं भी भूल जाता हूँ तो इनका क्या हाल होता होगा। मीन्स बाबा ये चाहते हैं कि मैं हम सभी बच्चे निरंतर योग में रहकर भोजन खाएं, भोजन करते समय बातें नहीं, मोबाइल नहीं, टीवी पर कोई प्रोग्राम नहीं, कोई वीडियो नहीं देख रहे, एकदम शांति में बैठकर बाबा को अपने सामने फील कर बाबा को खिलाते हुए खाना खाना है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, भोजन को बहुत प्योरीफाई कर रहे हैं तो मैं खा रहा हूँ। माँ अपने बच्चे को कैसे खाना खिलाती है ऐसे बाबा मुझे खाना खिला रहे हैं। ये अलग अलग तरीके हैं, हम बाबा को खिला खिला कर बाबा के साथ बैठकर खा रहे हैं, बाबा दृष्टि देते हैं उसको पवित्र बनाते हैं तो हम खाते हैं, बाबा मेरी माँ है मदर है वो मुझे खिला रही है, तो कितना ध्यान रखते हैं ना। भोजन कोर थोड़ा गर्म होगा, सब्जी गर्म होगी, कोई उसमें चीज दाल गर्म होगी तो माँ क्या करती है उसको फूक से अपनी हवा से फूक मारकर उसको ठंडा करती है फिर मुंह में डालती है ताकि बच्चे का मुंह ना जल जाए। इसलिए अब आप सोचिए बाबा अपने हाथ में भोजन टुकड़ा लेते हैं और बहुत प्यार से वो मुझे उस भाव से खिला रहे हैं कि एक एक बात में मेरा कल्याण है, वाइब्रेशंस देकर शक्ति देकर वो तब खिलाते हैं, तो इसलिए वो मुझे इस तरह से खिला रहे हैं। अब ये अटेंशन देना है कि मैं आत्मा भोजन बाबा की याद में ही खाती हूँ। ये बहुत अच्छा गहरा पुरुषार्थ है, सबको पता लग जाएगा कि इनके पास बैठकर बातें करते खाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इन्होंने बोलना तो है नहीं। वो 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप जितना भी टाइम खाना खाने में लगाते हैं, दिन में 2 बार 3 बार मौन साइलेंस बातें नहीं, इस भाव से ही खाना है। ठीक है, ये बड़ी इजी बात है, सिर्फ अटेंशन देने की बात है। अच्छा, दिन में 3 बार आप खाते हैं या 5 5 मिनट कोई और कुछ खाते हैं, स्नैक्स लेते हैं, कोई चाय कॉफी पीते हैं, कुछ जूस ड्रिंक कुछ लेते हैं, ये सारा टाइम मेरे योग के चार्ट में गिनती होगा ना, 15 15 मिनट्स, 5 5 मिनट्स, 2 2 मिनट्स, जितना भी आप समय लगाते हैं, अगर हम योग युक्त हैं तो वो मेरे योग के चार्ट को बढ़ाएगा, बाबा के साथ योग में गिनती होगा। समय और चला गया अपने आशिक के साथ, ये अटेंशन देंगे ना कि समय और लग गया और वो समय और इश्क को बढ़ाएगा। ठीक है, ये बात सी, ए बी सी। सी माना कनेक्शन इतना क्लियर हो, जैसे जहां प्यार होता है वहां हम बातें छुपाते नहीं है, तो यहाँ हमें किससे छुपानी है, बाबा से कनेक्शन क्लियर, निमित बहन से भी कनेक्शन क्लियर ना, जो आपकी टीचर है बहुत ब्रॉड माइंडेड है, आप ये सोच के रखिए आपने अपनी कमजोरी कमी कुछ भी उसे बताई तो वो आगे बताएगा नहीं। एक पेशेंट डॉक्टर का जैसे रिलेशन होता है ऐसे टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो रिलेशन होता है, एंड शी इज लाइक योर स्पिरिचुअल मदर, है ना, तो वो आपकी स्पिरिचुअल मदर भी है, आपकी गाइड भी है, आपकी केयर टेकर भी है, इतना अटेंशन देती है, आप क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं क्लास में पूरा बैठते हैं, क्या कारण है, वो पूछती है, ध्यान रखती है, आप उसे दिल की सब बातें बता देते हैं, ये विघ्न है, ये कारण है, इसलिए मेरा पुरुषार्थ अच्छा नहीं हो रहा, बताकर आपने बाबा को बताया ऐसे निश्चिंत हो जाए, बाबा से कनेक्शन क्लियर, सी टीचर से कनेक्शन क्लियर, उसके बाद वो दुआएं देगी। ये टीचर की विशेषता होती है, वो इधर उधर किसी को बताएगी नहीं कि ये ऐसा है ये ऐसा स्टूडेंट है, आपस में किसी को बताएगी नहीं, बल्कि वो आपको भी दुआएं देगी कि इसका पुरुषार्थ और अच्छा हो जाए, ये आत्मा और बाबा के चिपक जाए,
और अच्छी सेवा कर सके, वो उसके लिए दुआएं भी देगी। जो कमी कमजोरी आपने बताई, जो विघ्न आपने बताए, जो ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स आपकी लाइफ में आई वो बताई, तो उनको रिमूव करने के लिए भी वो दुआएं देगी। ये टीचर की विशेषता होती है। इसीलिए बिना कुछ सोचे ऐसा कनेक्शन क्लियर रखना है। योग की स्टेज कैसी है, प्योरिटी की स्टेज कैसी है, आप बड़े प्यार से दीदी को बता देंगे तो वो उसको समा कर उसको ठीक करने का तरीका बताएंगी। बाद में भी उसके लिए दुआएं देंगी, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कितना भी करे उसके लिए बाबा रिस्पॉन्सिबल है ना। समझो आपने सोचा वो ऐसा ऐसा किसी को नहीं बताएंगी, लेकिन किसी के कल्याण अर्थ उसने आपका कोई एक्सपीरियंस सुना दिया, किसी का और का कल्याण करने के लिए। उसको अकल नहीं थी, उसने आके आपको बता दिया कि पता आपके लिए टीचर ने ऐसे ऐसे बोला। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आपने टीचर को नहीं, आपने बाबा को बोला था, आपने बाबा को बताया था, शी इज रिस्पॉन्सिबल नाउ। ऐसे अटेंशन देंगे तो हमारे ऊपर उसका दोष भी नहीं आएगा और प्यार भी बढ़ेगा, ब्राह्मण परिवार में भी प्यार बढ़ेगा। ऐसा होता नहीं है, होता यही है कि दुआएं का लेन देन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ तो हमारे पास बहुत ज्यादा भाई बहन है, तो वो ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा बात करते हैं, ऐसे कोई छुपा ले बात को ऐसा नहीं है। तो तभी होता है कि बाबा ने जिस निमित्त को सेलेक्ट करके वहां बिठाया है, तो बाबा ने अपनी विशेषताएं भी उसमें भरी है ना। वो उदार दिल है, शी इज ब्रॉड माइंडेड, और वो सुनती है, वो काउंसलिंग करती है, फिर वो और दुआएं देती है। तो इसीलिए कनेक्शन क्लियर A1 अच्छा होना चाहिए। इसमें आपको खुशी और बढ़ेगी, परिवार की ओर नजदीक आएंगे, और अंदर उसके साथ साथ इतना इंट्रोवर्ट हो जाएं कि हम एक बात एक को बता के फिर इसको भी बताएं, उसको बताएं, उसको बताएं, सबको नहीं बताने की जरूरत है, सब जगह बोलते नहीं रही, इस पर भी ध्यान देना है। हमारे लिए सब कुछ इजी है, और क्वालिटी बढ़ाने के लिए जैसे अमृत वेला है वैसे नुमा शाम योग भी उतना जरूरी है। मैं बहुतों का सुनती हूँ कि उनकी जॉब, उनका सिस्टम, उनका बिजनेस ऐसा है कि नुमा शाम के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन बाबा के सब बच्चे दादियां आप देखो इसको बहुत अमृत वेले जितना ही महत्व देते थे। कुछ भी नहीं तो हाफ एन आवर, 30 मिनट्स उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए जरूर निकालें। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको सुनाती हूँ अपना ही, कि हम माउंट आबू में ना नक्की लेक के किनारे रोज घूमने जाते थे। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तभी सेंटर पर रहने भी लग गई थी, क्योंकि वहां दीदी के पास कोई और हैंड नहीं थे, तो ये फील करते हुए कि बाबा ने यहाँ जरूरत है तो मुझे यहाँ रखा है, तो मैं रोज कॉलेज भी जा रही थी वहीं से और सेंटर पर भी रहती थी। तो इसीलिए जल्दी ही जब कॉलेज में छुट्टी होती थी, छुट्टी मींस के एक क्लास के एग्जाम हो गए और नेक्स्ट क्लास के लिए एडमिशन शुरू होने से पहले बीच में कम से कम 2-3 मंथ का गैप होता था ना, काफी गैप होता था, लाइक 50 डेज, तो 50 नहीं 60, 68 डेज, 68-70 डेज इतने हो जाते थे, तो इतना गैप होता था 70-75 डेज का। उतना टाइम मैं मधुबन में ही रहती थी, पांडव भवन में ही, तब पांडव भवन ही था सिर्फ, तो हम वहां रहते थे। तो नुमा शाम योग से पहले, कभी योग के बाद 6:30 से 7:30 के बाद, तो कभी उससे पहले गर्मी होती थी तो लेट थोड़ा सा अंधेरा होता था, तो हम 7:30 के बाद घूमने जाते थे। तो बहुत सारी उस वक्त की जो मेरे साथी बहनें हैं, अभी मधुबन में भी हैं, डॉक्टर सविता बहन है और ऐसे और भी बहुत सी बहनें हैं, तो हम सभी मधुबन में सेवा करने पहुंचते थे, तो हम वहां से नक्की लेक के किनारे घूमने जाते थे। तो एक बार कहीं कहीं बिजी हो गई जो साथी बहनें मेरे साथ थी, एक ने कहा मुझे ये ड्यूटी दादी ने दी है, एक ने कहा मनोहर दादी ने ड्यूटी दी है, ऐसे कुछ, तो वो 2-3 बहनें यहाँ वहां बिजी हो गई। तो 7:30 योग के बाद, अभी क्योंकि गर्मी के दिन थे तो अंधेरा नहीं हुआ था, तो मैं थोड़ा सा अकेले ही घूमने चली गई।
अकेले घूमने जाती तो वहां सनसेट पॉइंट पर ना बहुत भीड़ होती है। हम नक्की लेक के उस किनारे से जा रहे थे कि जहाँ गाड़ियां बसेस वगैरह सनसेट के लिए जाती हैं, बट दे वर बिजी इन सनसेट, तो सनसेट के विजुअल उसके लिए बिजी थे, तो इसीलिए वो सड़क खाली थी, वो रोड खाली थी। मैं अकेली उस पर जा रही थी और पूरा अटेंशन था कि बाबा की याद में जाना है, एंड बाबा इज माई फ्रेंड। आज मेरी वो फ्रेंड्स तो आई नहीं, तो बाबा अकेला मेरा फ्रेंड है, नहीं तो बाबा भी फ्रेंड होता था, वो भी होती थी, तो अकेला बाबा फ्रेंड है। वो इतनी अच्छी फीलिंग के साथ, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ, तो मैं बाबा का हाथ पकड़कर जा रही हूँ। जहाँ से बाबा की पहाड़ी पर जाते हैं, तो बाबा की पहाड़ी पर जाने के लिए और अनादरा पॉइंट है वहां जाने के लिए, तो मैं बाबा का हाथ पकड़कर जा रही हूँ। बहुत अच्छी, एकदम बढ़िया फीलिंग, एकदम लाइट लाइट। मैं भी साड़ी तो पहनी हुई थी, बट देखने में छोटी थी, ऐसे पतली सी थी, छोटी थी, तो मैं अकेली ही चले जा रही थी और बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है मैंने, तो उनका अच्छे से होल्ड करके, और मैं बड़े अच्छे फीलिंग और टच के साथ, बाबा के हाथ को टच करते हुए, उस टच के और फीलिंग के साथ मैं जा रही हूँ। इस तरह से मैं बाबा के दोस्त बनकर, फ्रेंड बनकर जा रही थी। उधर सनसेट हो गया, अंधेरा भी हो गया, मैं चलती जा रही हूँ बड़ी मगन, मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा आसपास कोई है। जब वो याद आती है ना, वो स्टेज योग की, तो अभी भी सेंसेशन सी शुरू हो जाती है, ऐसे हार्ट में यहाँ ऐसे सेंसेशन होने लग जाती है, इतना अच्छा लगता है आज भी उस एक्सपीरियंस को याद करके। तभी वो खत्म हो गया था, उन दिनों जीप होती थी वहां माउंट में, जीप बहुत चलती थी, तो जीप पर बहुत से लोग बैठकर और वहां सनसेट पॉइंट से वापस आ रहे थे। मैं भी चलती जा रही हूँ और वो सामने से वापस आ रहे, सनसेट हो चुका था, तो वो धड़ 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 जीपों की आवाज से जैसे मेरा योग टूटा। तो मैंने क्या देखा कि मैं जब चल रही थी, तो मैंने अपने आप को देखा कि मेरा हाथ ऐसे ही था, ऐसे ही हाथ करके मैं चल रही हूँ, और वो तो एकदम सोल कॉन्शियस स्टेज थी, एकदम गोपियों जैसी। और जैसे मैंने देखा मैं हाथ ऐसे करके चल रही हूँ, तो मैं बॉडी कॉन्शियस हो गई थोड़ा सा। हाँ, क्या सबने देखा होगा, कितने लोग मुझे देखते हुए चल रहे हैं, और मैं हाथ ऐसे ही करके चलती जा रही हूँ। लोगों ने सोचा होगा ये लड़की हाथ ऐसे करके क्यों चल रही है अकेली, जैसे किसी ने रियल में हाथ पकड़ा हो। वो रियल होल्ड इतना रियल फील कर रही थी कि बाबा मेरे साथ चल रहे हैं, नॉट इन अव्यक्त, नॉट इन फरिश्ता स्टेज, साकार में। मतलब इतनी प्यारी फीलिंग वो साकार वाली थी, जैसे मैं दादियों से सुनती थी, चक्रधारी दीदी से सुनती थी, ऐसे बड़ी बहनों से, दादियों से जब सुनते थे ना कि बाबा साकार में ऐसे साथ चलते थे, पहाड़ी पर लेकर जाते थे, इतनी अच्छी फीलिंग के जैसे याद आता है योग लग जाता है। आप सोचिए कि बाबा के साथ जो कनेक्शन है, अगर हमारा इतना प्यार वाला है, तो हमें कोई विघन बातें, चीजें, मैनेजमेंट, टाइम सेंटर इंचार्ज, ये वो, ये सारी चीजें बहुत छोटी लगती हैं। इसके बजाय पहली बात, मैं गोपी हूँ, वो गोपी वाली फीलिंग जो है ना, वो बड़ी प्यारी फीलिंग है। बजाय मैं इंचार्ज हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और ये वाली फीलिंग के से भी ज्यादा अच्छी। तो मैं समझती हूँ कि हम हर एक का इतना प्यार वाला कनेक्शन, और वो होगा कैसे, टाइम देने से। इतना ज्यादा टाइम देंगे तो बाकी खजाने अपने आप चले जाएंगे और उतना मिलते भी जाएंगे। तन मन धन अपने आप वहीं लग जाएगा जहाँ समय लगता है, उसके सेवा अच्छी होगी। भोजन करते समय, क्योंकि मुझे भोजन करते समय भी सेवा करनी है, लोगों पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इसका, कोई बहुत बातें करने वाले हो तो भी आप थोड़ा सा उनको कह सकते हैं, जब तक मैं खाना खाती हूँ मैं बोलती नहीं हूँ। एक बार कह देंगे सबको मालूम पड़ जाएगा, या वहां से थोड़ा हट के अलग बैठ कर खाना खाने। बी इस पर अटेंशन टू सर्व द पीपल, सेवा करने के लिए। सी कनेक्शन, कनेक्शन विद बाबा, कनेक्शन विद ब्राह्मीन फैमिली, कनेक्शन विद निमित्त टीचर, बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों पर भी सेवा के कारण अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, इनका आपस में भी कितना विश्वास और प्यार है, अच्छा लगता है उनको। इस
ये क्लियर रखना है। और फिर सब कुछ डी ड्रामा आपके फेवर में होगा। ये बात ना बोलने में बड़ी इजी है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा और भी अच्छा होगा। ये बात बोलने में जितनी इजी है उतना सोचने में इजी नहीं है। अभी अभी कोई विघ्न आया, किसी से डांट पड़ी, किसी से सुनना पड़ा, है ना, कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम आई, प्रोफेशन में, डोमेस्टिक लाइफ में, और आप कहें बहुत अच्छा हुआ, दिख रहा है अच्छा नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में रियल ज्ञान फिर भी यही है कि अच्छा हुआ, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हुआ ना? और हल्के हुए, कर्जा दे दिया, बहुत सारी चीजें हैं आप सोच सकते हैं। हर एक अपने लिए खुद सोचेगा। फिर जो हो रहा है, आई एम रियलाइजिंग दिस थिंग, मैं ज्ञान को समझ रही हूँ, रियलाइज कर रही हूँ, और फिर भी मैं बाबा को थैंक्स कर रही हूँ, अच्छा हो रहा है, इसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो ये चीजें, खुद अटेंटिव रहना है इसके ऊपर, ड्रामा अच्छा लगने लग जाएगा हमको। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, ड्रामा का हर सीन मुझे पसंद है, क्योंकि बाबा को ये ड्रामा पसंद है। तो इस तरह से ध्यान देते देते ये ABCD सिंपल पुरुषार्थ और क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि व्यर्थ से बुद्धि हट रही है, ये फायदा हो रहा है। अब हम योग करेंगे, बाबा से ऐसे जुड़ेंगे कि बाबा, पिछले वर्ष तक 2022 तक मैंने जितना तन मन धन और समय आपकी सेवा में लगाया, इस ईयर में 2023 में उससे ज्यादा लगाना है। ये खुद हम प्रॉमिस करेंगे। 2022 में जितना तन मन धन और समय लगाया, 2023 में उससे ज्यादा तन मन धन और समय मुझे आपके लिए लगाना है। तभी कर लगेगा अच्छा पुरुषार्थ हो रहा है। उतना ही है तो नो चेंज, कुछ फायदा तो हुआ ही नहीं। उतना ही टाइम दे रहे हैं जैसे पहले देते थे, उतना ही टाइम सेंटर पर आते हैं, उतना ही टाइम क्लास करते हैं, उतना सा ही धन देते हैं, उतना सा ही समय देते हैं, तो नो प्रोग्रेस। तो इस ईयर में 2023 में मुझे तन मन धन और समय सब कुछ पहले से ज्यादा प्रोवाइड करना है बाबा के लिए। तो ये अंदर ही अंदर प्रॉमिस करते हुए अब हम योग में बैठेंगे। एकदम अपने को डिटैच करके कुछ चीजें हम इजी कर लेंगे। डिटैचमेंट से इजी हो जाता है। फील करेंगे इस शरीर की कुटिया में, मस्तक में तपस्वी की तरह विराजमान हूं मैं। महसूस करेंगे मैं तपस्वी आत्मा बहुत अटेंशन दे रही हूँ, मैं आपको मस्तक में चमकता हुआ देखेंगे। मैं मस्तक से निकलकर मैं ज्योति बिंदु सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, लाइट की ड्रेस पहनता हूँ। और लाइट की ड्रेस पहनकर मैं फरिश्ता बिल्कुल सुंदर सफेद चमकीली लाइट की दुनिया में हूँ। इस पर ध्यान देंगे। हम महसूस करेंगे मैं ऊपर विशेष ध्यान,
लाइट की बॉडी में मैं एंजल, बाबा के हाथ में हाथ, फील करेंगे अपने एंजेलिक स्वरूप द्वारा बाबा के सामने, इतने प्यार से आप गले मिलते हैं। मैं और बाबा लाइट ही लाइट हो जाते हैं। इससे देखें, ब्रह्मा बाप के लाइट के शरीर में मस्तक में सुप्रीम लाइट प्यारे शिव बाबा चमक रहे हैं। एकदम शांत, इतनी सुंदर दुनिया का अनुभव, प्रेम का अनुभव हम ऐसे कर रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए, बाबा ही संसार है। बाबा के साथ झूला झूलते हुए देखें, बाबा के साथ पूरे ग्लोब पर प्यार से हाथ पकड़कर सकाश देने की सेवा कर रहे हैं। फील करें पूरा अटेंशन अपने ही एंजेलिक स्वरूप के ऊपर। मैं हल्का डबल लाइट फरिश्ता अपने चारों तरफ ऑरा फील करेंगे। अब मुक्त हो जाएं अपने लाइट के शरीर से भी। चमकीली ड्रेस को भी छोड़ दें। मैं आत्मा केवल परम धाम में हूं। महसूस करें, एक
देही अभिमानी अवस्था, परम धाम में लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में मैं आत्मा बहुत कल्याणकारी बीज रूप स्थिति में सर्वशक्तिवान की संतान शक्तिशाली आत्मा बिंदु रूप के चारों तरफ बाबा की तेज लाइट का ऑरा फील करेंगे। मैं बाबा की गोपी प्रेम से भरपूर आत्मा अकेला ज्योति बिंदु परम ज्योति के सामने खोए रहे अपने असली स्वरूप में बहुत शांत हूँ। इतनी शांत और साइलेंस की स्थिति में मैं पावरफुल आत्मा ब्राह्मण स्वरूप में ब्राह्मण शरीर में प्रवेश करती हूँ। अब अपने आप को देखें, मस्तक में फिर से मैं ब्राह्मण पवित्र आत्मा विराजमान, इतनी ही शांत स्थिति में दुनिया के सब काम कर रही हूँ, अपने अलग अलग रोल प्ले कर रही हूँ। हर एक रोल में अनडिस्टर्ब्ड हूँ, बहुत शांत हूँ, बाप दादा के प्रेम में सब कुछ इजी है। को याद करा दें, मैं भगवान के प्यार में डूबी हुई शांत और शक्तिशाली आत्मा हूँ। शांति शांति
शांति।